नैना चावला अपने सभी साई मुस्कान के परिवार को ओम साई राम। आज हमारे साथ साई बाबा के बहुत प्यारे लाडले परवीन पाटिल जी हैं सूरत से, जो 18 साल से बाबा की पालकी लेके शिरडी जाते हैं और एक बहुत अच्छी पोस्ट पे होने के बावजूद भी ये बाबा की बहुत सेवा करते हैं और बाबा को बहुत प्यार करते हैं और काफी लोगों को इन्होंने बाबा के साथ जोड़ा। तो आइए हम मिलाते हैं आज परवीन पाटिल जी को आपसे। परवीन पाटिल जी, आपका साई मुस्कान में स्वागत है। ओम साई राम। ओम साई राम। तो आप बाबा के बारे में आपकी यात्रा बताइए, आपके अनुभव बताइए, जैसे आपके बाबा से रूबरू कैसे आप हुए। आज से लगभग 25-26 साल पहले मैं बाबा को नहीं मानता था। कोई मेरे सामने साईं बाबा का नाम भी लेता था तो मैं उन पर भड़क जाता था कि क्या ये बाबा फकीर है, सब क्या नहीं मानना चाहिए। तो ऐसा बहुत टाइम चला। एक बार एक दोस्त ने हमारे सूरत में एक साईं बाबा का मंदिर है चौटापुर में, तो वहाँ पे वो मुझे बोला कि रिक्वेस्ट की कि मुझे वहाँ पे थोड़ा काम है तो मेरे साथ वहाँ पे चलो। तो वहाँ पे उसका काम खत्म करके वो मुझे जबरदस्ती साईं बाबा के मंदिर में लेके गया। तो फर्स्ट टाइम मंदिर में जैसे एंटर हो बाबा के सामने देखा तो फिर वहाँ के बाबा के दर्शन किए। वहाँ के पुजारी जी जो थे उन्होंने मुझे एक नारियल दिया, नारियल के अंदर एक गुलाब का फूल दिया। फिर मैं उस लेके मैं घर पे आ गया। जब घर पे आके मेरे मम्मी के हाथ में मैंने वो नारियल दिया तो जैसे वो गुलाब उन्होंने निकाला वहां से अंदर से, तो अंदर से जो नारियल के अंदर जो वो निकलता है उसमें से पूरा गणपति निकला, गणपति बाप्पा निकले, गणेश जी। तो तभी से श्री गणेश हुआ मेरा साईनाथ का और बाबा के करीब आने लगा। फिर मैं जहाँ पे जॉब करता था वहां पे हमारे बॉस हमको मैं फर्स्ट टाइम मुझे शिरडी लेके गए। तो शिरडी गया तो मुझे आरती के समय बाबा के सामने बैठने का मौका मिला शिरडी में, फर्स्ट टाइम। दोपहर की आरती थी तो जैसे आरती चालू हुई मैंने आंख बंद की, तो आरती खत्म होने तक मैंने आंख नहीं खोली थी। और पूरा आरती में बाबा ने मेरे साथ बातचीत की कि तू किस लाइन पे जा रहा है अभी। मतलब उस टाइम पे मैं जरा गुंडा किस्म का आदमी था। बाबा ने पूरी आरती खत्म होने तक मेरे साथ बातचीत की। मुझे ऐसा एहसास नहीं हूं मैं कौन सी दुनिया में हूं। फिर जैसे आरती खत्म हुई मुझे मेरे आजू बाजू के लोग उठने लगे, तो मेरे बॉस ने मुझे उठाया कि भाई सो गया क्या आरती में। तो मैंने देखा मैं कहाँ गया, तो मुझे एकदम सुना सुना लगने लगा बाबा कहाँ चले गए। तो वो बाबा का मेरा पहला चमत्कार था। तब से कंटिन्यू फिर मैं बाबा के मंदिर में जाने लगा और मैं साई मुझे हर बार मैं जब भी साई बाबा को याद करता हूँ अभी भी आंखें बंद करके तो साई मेरे सामने आते हैं और मेरे सवालों का जवाब देते हैं। ये मेरा पहला अनुभव था बाबा के साथ। फिर उसके बाद ऐसे बहुत से चमत्कार हुए मेरे साथ। फिर मुझे मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे कहीं पे जॉब नहीं लग सकती थी और मतलब मेरा रिकॉर्ड इतना खराब हो चुका था। तो साईनाथ ने मेरा साथ दिया, मुझे सद्बुद्धि दी, मेरे साथ ऐसा समझो कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहां तक ये मुकाम तक लाया है। फिर मुझे पुलिस की जॉब लग गई। फिर पुलिस की जॉब लगने के बाद फिर मैंने सूरत से शिरडी पर यात्रा चालू कर दी। उस जितने साल से मेरी ड्यूटी लगी है उतने साल मेरे को शिरडी पर यात्रा पालकी लेके जाते हैं और मेरे साथ दूसरे हजारों लोग मेरे साथ आते हैं पर सूरत से शिरडी पर यात्रा। सूरत से शिरडी में 9 दिन लगते हैं हमको पैदल जाने में। और दूसरा चमत्कार ऐसा हुआ था कि मेरे साथ एक मेरा सीनियर कांस्टेबल थे, उनके बड़े भाई के लड़के को डॉक्टरों ने ना बोल दिया था कि भाई आप लेके जाओ इसका कुछ नहीं हो सकता। अभी उनका एक ही लड़का था तो वो वहां पे मेरे साथ पास बैठ के ना रोने लगा। भाई क्या हुआ तेरे को? तो उसने बोला यार मेरे बड़े भाई का एक ही लड़का है 8-9 साल का और डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया, कुछ बीमारी थी। तो बेचारा उसको भी हॉस्पिटल से हम घर पे ला रहे हैं, उसकी घर पे सेवा करेंगे, जितने दिन जिएगा उतने दिन उसकी सेवा करेंगे।
तो मैंने उसको बोला कि चल मेरे घर, मेरे साथ मेरे घर चल, मेरे घर में द्वारका माई है, मैंने लगभग 20 साल से द्वारका माई मेरे घर में बाबा के स्थाई किया है। तो उसको यहाँ पे लाया मैं, और मेरे हमारे घर में द्वारका माई में बाबा की समाधि पे जो सुबह स्नान करते हैं वो जल मेरे वहां होता ही है, और उदी भी मेरे वहां होती है हमेशा। मुझे कुछ भी होता है, किसी को भी कुछ होता है तो मैं उदी देता हूँ। तो मैंने उसको उदी दिया और एक डिब्बे में उसको मैंने बाबा की समाधि का जल दिया। मैं बोला काम कर, इसको आप जो पेशेंट लड़का है उसको उदी वो जल में उदी मिला के उसको चमची चमची से पिलाया करो। फिर उसके पे जाने के बाद मैंने बाबा से प्रार्थना की, मतलब झगड़ा किया बाबा से कि भाई बाबा वो लड़का, उस दिन भी गुरुवार ही था जिस दिन वो मेरे पास उदी लेना आए थे, और अगले गुरुवार को मैं बोला वो लड़का जो बीमार है वो अगले गुरुवार तक ये अपने घर में द्वारका माई में आना चाहिए। तो धीरे धीरे उसको उसने उदी और बाबा की समाधि का जल देना चालू कर दिया। तो आप नहीं मानोगे, अगले गुरुवार को वो लड़का यहाँ पे द्वारका माई के दर्शन करने आया था पूरा परिवार के, वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था। इससे कई चमत्कार है लाइफ में बाबा के रमार में। खुशहाल हमारा परिवार है, बाबा की मेहरबानी है, और बस बाबा की मेहरबानी है। ओम साई राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम साई राम। बहुत अच्छे आपके अनुभव बाबा के साथ, बहुत अच्छा लगा सुन के बहुत ज्यादा। और बाबा आप पे हमेशा ऐसे ही कृपा बना, बाबा की दृष्टि आप पे हमेशा ऐसे ही बनी रहे, बाबा की कृपा आपके घर में परिवार में हमेशा ऐसे ही बनी। ओम साई राम। साई मुस्कान की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम।